यस कम इन। सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इट्स ओके यंग बॉय, कम इन। सर, वो बर्थडे विश करनी थी। ओह थैंक यू थैंक यू। सर, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। देखो मेरे बच्चे जो है ना, वो मेरी सालगिरह पर एक छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे खुशी होगी अगर तुम भी उसमें आ जाओ। सर, मैं? हाँ क्या हर्ज है इसमें? सर, ये तो मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई वाली बात है। सर, मैं बिल्कुल हाजिर हूंगा। देखो तुम्हें मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। शुक्रिया सर। आजकल के बच्चों में एहसास से जिम्मेदारी जरा कम ही होता है, लेकिन तुम उनसे मुख्तलिफ हो। थैंक यू सर, आप मेरे लिए इस तरह सोचते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। अच्छा शाम को आ रहे हो ना? डेफिनेटली सर जी, मैं चलता हूं। सलाम वालेकुम आरा जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जीते रहो। ये लीजिएगा, ये जरा वहां रख दीजिएगा। और आप कैरियर से? जी, अल्लाह का शुक्र। चल जीते रहो, बैठो जी बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ फैमिली गैदरिंग में किसने बुलाया? आगा जी ने। आगा जी ने? बहुत शौक है आगा जी को बैरों को घर में घुसाने का, तो इसलिए आ गए हो तो एंजॉय करो। आओ बेटा आओ आओ आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, ये इस लड़के को देख रहा? कौन सा लड़का होगा जी? ये जो ब्राउन सूट में है। जी जी जी। इसे आज मैंने खास तौर पे यहाँ बुलाया है। ये बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा काबिल बच्चा है, बहुत मेहनती है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसका नाम है आबिस। मैं समझता हूं कि ये मुकद्दस के लिए बड़ा मौजू रहेगा, तो तुम जाओ इसके पास, जाके इससे बातें करो, इसे कंपनी दो। अगर तुम्हें भी पसंद आ गया तो बस फिर सोचेंगे इसके बारे में, है ना? जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माज है, मैं आगा जी का नवासा हूँ। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम आबिस है, मैं आगा जी के ऑफिस में उनके साथ होता हूँ। वैसे क्या करते हैं आप आगा जी के ऑफिस में? मैं दरअसल आगा जी की सारी चीजें मैनेज करता हूँ। अच्छा।
घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यारी तुम लग रही हो। डोंट बी सो कॉन्शियस। जी जी मुकद्दस, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मैं भी सही कह रही थी। बाय द वे, आप भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बट इमन जी, दूसरों के दिए हुए कपड़े चाहे जितने भी कीमती हों, इंसान दिल से खुश तो नहीं हो सकता ना। आप आगा जी को दूसरा समझते हैं? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। I'm sorry. क्या मतलब था आपका? आपके इस बात से बहुत हर्ट हुई हूं। कर दिया ना नाराज आपने। आप भी ना चाहे आप मनाए उन्हें। मैं मनाऊं? जाहिर सी बात है, आपकी वजह से नाराज हुई है ना, तो मनाएंगे भी आप। चाहे आप फौज क्या नहीं है, जाए। I'm sorry. I am. आज तो मान गई हूँ, मगर आइंदा अगर आपने ऐसी कोई बात की तो याद रखिएगा, मैं नहीं मानूंगी। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, I promise. सारे कपड़े खराब कर दिए आपने मेरे। आरिज, ये तुमने क्या किया? मैं तो बस देखना चाहता था कि आगा जी के दिए हुए कपड़े पहनकर कहीं खुद को हमारे बराबर तो नहीं समझने लग गए। बराबर माय फुट। टिशू चाहिए? टिशू। लगता है नहीं चाहिए। हेमन बाजी, मुझे अंदर जाना है, चेंज करना है। क्या हुआ है? अब कुछ नहीं, वो बस जूस गिर गया था मेरे कपड़ों पर। तुम ठीक तो हो ना बेटा? अच्छा चलो मेरे साथ आ जाओ। नहीं मुझे प्लीज अंदर जाना, चलो मेरे साथ अंदर चलो, आ जाओ। मैं क्यों मुस्तकिल उस लड़की के बारे में सोचे जा रहा हूं?
सर बुलाया आपने? हाँ बेटा, देखो आबिश, तुम्हें कुछ देर के लिए मुकद्दस के कॉलेज जाना होगा उसे लेने के लिए। जी सर। दरअसल वो मेरे ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई और दूसरा ड्राइवर जो है वो मायरा को लेने जाएगा, उसका रूट बिल्कुल अलग है। सर आप फिक्र नहीं करें, मुझे बस उनके कॉलेज का एड्रेस दे दें, मैं पहुंचाऊंगा। अच्छा, तुम उसे पहचान भी लोगे? वो उस दिन मेरी सालगिरह की पार्टी में तुमने उसे देखा होगा ना, भाई मास की बहन है। सर बहुत सरसरी सा देखा था, लेकिन मैं पहचान लूंगा। वो मास को मैंने हैदराबाद भेज दिया एक काम से, और किसी पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, हत्ता के अपने दफ्तर के ड्राइवरों पर भी नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। बेटा तुम्हारे तौर अतवार बिल्कुल मुख्तलिफ है और लोगों से, माशाल्लाह। अच्छा सुनो, ये मेरी गाड़ी ले जाओ, इसमें ले आना उसे, वो पहचान लेगी, मैं उसे फोन भी कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ मैं बस फिर चाहता हूँ, मैं जाओ जाओ। थैंक यू। थैंक यू सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको लेने आया हूँ, आगा जी ने भेजा था। जी आगा जी ने बताया था कि वो मुझे किसी को लेने भेजेंगे। आप जी प्लीज चलें। मैं आपको अपना तारुफ करवा दूँ, मैं आगा जी के दफ्तर में काम करता हूँ, उनकी सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। भाई बहन तो है नहीं, इकलौता हूँ। उस दिन आगा जी की बर्थडे पे मैंने आपको देखा था। जी पता है मुझे, मैंने भी आपको देखा था, लेकिन प्लीज आप मुझसे इतना बेतकल्लुफ मत हो। आगा जी ने बहुत ट्रस्ट करके आपको भेजा है, तो इन सारी फालतू बातों से गुरेज करें। सॉरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो। थैंक यू।
इस आबिस के साथ कहां से आई हो? कहां गई थी? कॉलेज से आ रही हूँ और आगा जी ने भेजा था उन्हें मुझे लेने। आगा जी इसको भेजेंगे तुम्हें लेने के लिए? झूठ मत बोलो। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? आप बेशक पूछ लीजिएगा उनसे। आगा जी से क्यों पूछूं? तुमसे क्यों ना पूछूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा दुपट्टा पकड़े खड़ा था वो। फोन कर रहा हूं तुम्हें, आइंदा इसके साथ नजर मत आना। अब जाओ यहां से, जाओ। आज तुम अकेली? वो कहाँ है? वो कौन? अरे वो ही बेवकूफ जिसको लिए फिरती हो तुम। क्या हो गया आरेस? क्यों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वो तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं, दूर रहो उससे। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ, बस आगा जी की वजह से उसका ख्याल रखता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो नहीं पूछूंगा उसके बारे में। खुश, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब तुम सबका रवैया उन दोनों बहन भाइयों के साथ खराब होता है। उस दिन बर्थडे पार्टी पे भी तने क्या कह दिया था, इतनी मुश्किल से समझाया मैंने उसे। नाम लिया उसने मेरा? उसने किसी का नाम नहीं लिया प्लीज, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि किसी ने उसको हर्ट किया। बहुत नाजुक है वो। दिल होते हैं नाजुक और दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगी। एमन मैं 2 मिनट के लिए तुमसे मिला हूँ और तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है यार, माफ कर दो मुझे। रुको। जी सर। मुकद्दर से दूर रहो। क्या मतलब सर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अपने साथ गाड़ी में घुमाने की? मैं आगा जी के कहने पे उनको कॉलेज से पिक करने गया था। शट अप। आइंदा ऐसा हुआ ना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे तुम। दस क्या करती रहती हो हर वक्त अपने कमरे में, बाहर क्यों नहीं आती? चलो भाई, सिर्फ ये एक कमरा ही तो है जहां मुझे सुकून मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचा करो। चलो ऐसा ही है, इस घर में कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां हम अपनी मर्जी से बैठ सके, अपनी मर्जी से आ जा सके। नीचे ये क्या है, हमेशा आप कमरों में बंद रहते हैं, इंसानों में बैठा करें। मैं यही बात समझा रहा था। मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझ पे हंस रहे हैं, मुझे घूर रहे हैं। तुम उन्हें क्यों देखती हो? खुद में इत्मीनान पैदा करो। वो तो उस दिन खत्म हो गया था जब मैं इस घर में आई थी। ये भी तो
तुम दोनों का घर है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लीजिए, उल्टा आप इसे समझाते, आप खुद ऐसा सोचते। एमन, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको माज भाई कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, मुख्तलिफ हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। बाकी हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? या माज ने तुमसे ये पूछने को कहा है? नहीं, मैं खुद पूछ रही हूँ। माज भाई ने तो मुझे मना किया था। क्या मना किया? कुछ कुछ नहीं। मुकद्दस, मुझसे छुपाओ मत, मुझे बताओ क्या मना किया? प्रॉमिस करें आप नाराज नहीं होंगे। नहीं होंगी, प्रॉमिस। आप इतनी अच्छी हैं कि आपको देखकर एक ख्वाहिश मेरे दिल में उभरी थी, लेकिन फिर माज भाई ने मुझे समझाया कि कहाँ आप और कहाँ वो। और वो ख्वाहिश कौन सी है? यही कि आप मेरी भाभी बन जाएं। और ये ख्वाहिश सिर्फ तुम्हारी है या फिर मास की भी? मास भाई, भाई का तो पूछे मत। जब आपका नाम लेती हूँ ना उनके सामने, तो उनकी शक्ल देखने वाली होती है। लेकिन कहते हैं कि कहाँ आप इस महल जैसे घर में रहती हैं और कहाँ उनके पास अपना घर भी नहीं। कभी तो होगा ना, और घर ही नहीं होते हैं, लोग हैं होते हैं। इसका मतलब आप राजी हैं? हाँ, मैंने ये कब कहा? तो प्लीज कह दीजिए। मुकद्दस, हम कुछ और बात करें? और वैसे भी मुझे यकीन है माँ इतने अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा ही होगा। देखना, उनकी किस्मत में बहुत अच्छी लड़की हूँ। लेकिन वो अच्छी लड़की आप ही तो हो सकती है। वो भी सकती हूँ, अगर वो मेरे नसीब में हो तो। अम्मी, अम्मी। हाँ बोलो आबेस। आपको एक बात बतानी। क्या? आप कहती थी ना कि शादी कर लो, शादी कर लो। तो क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है? वो आगा जी नहीं है, उनकी नवासी है। साहब की नवासी? जी, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके घर पे मेरा रिश्ता लेके जाएं। उस घर में? वहां तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? वो ऊंचे लोग हैं और हम। से मेरी प्यारी अम्मी, बैठे 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 देखें, वो उनकी तो बहुत दूर के रिश्तेदार, कुल हमारे ही तरह के लोग हैं। आप जब रिश्ता देंगे ना, मुझे यकीन है कि वो लोग इनकार नहीं करेंगे। देख लो, तुम वहां नौकरी करते हो, उन्हें तुम्हारी कोई बात बुरी ना लग जाए। आप एक बार जाएं तो सही, मुझे यकीन है कि वो लोग राजी हो जाएंगे। क्या तुम्हें वाकई अच्छी लग गई है वो? अम्मी, वो है ही बहुत अच्छी। आप जब मिलेंगी ना उससे, तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी।
वो बहुत हसीन है, बहुत मासूम। अच्छा, हाँ भाई यकीनन प्यारी होगी, मेरे बेटे की पसंद है तो यकीनन प्यारी होगी। लेकिन एक बात मेरे दिल में आई कि वो हमारे इस छोटे से घर में एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी अम्मी, आप इस चीज की टेंशन मत लो। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि कब जा रही हैं आप उनके घर पे मेरा रिश्ता लेके। भाई उनसे वक्त लेना पड़ेगा, तुम बात करो ना उनसे, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुंह उठा के चल पड़ना किसी के घर। ठीक कह रही है, मैं बात करता हूँ। अच्छा ये बताएं क्या पका रही हैं आज? तुम्हारी पसंदीदा डिश बना रही हूँ। सब जल्दी खिला दें, भूख लग रही है। बस जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो बैठो, तशरीफ रखे। जी तो आप मुझसे मिलना चाहती थी। जी आगा साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जी जी फरमाइए। मेरा बेटा आबिस तो आपकी नजरों के सामने है ही, अगर आप इसे अपनी फर्जंदी में ले लें तो मेरे लिए इज्जत का बायस होगा। आप किसके सिलसिले में बात कर रही हैं? आपकी नवासी मुकद्दस की बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि हमारे घर में उसे आपके घर जैसा आराम तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात का वादा करती हूँ कि हमारे उस छोटे से घर में उसे बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत, बहुत एहतराम मिलेगा। देखिए मोहतरमा, एक लड़की के लिए मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आपने मुझे इज्जत दी, आपका बहुत शुक्रिया। और जहां तक ताल्लुक है आबिस का, तो आबिस को मैं कई सालों से जानता हूं। इसकी तहजीब, इसकी बुर्दबारी, मैं इससे खूब अच्छी तरह वाकिफ हूं, मुझे पसंद है ये। लेकिन मैं इस सिलसिले में मुकद्दस से बात किए बगैर कोई जवाब दे नहीं सकता। आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्द आपको जवाब दूंगा। जी जी उस बच्ची का पूरा हक है, आप इत्मीनान कर लें बिल्कुल। और वैसे भी मेरा यकीन है कि अगर अल्लाह ताला ने इनका जोड़ा बनाया होगा तो आप हाँ ही करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया मोहतरमा। देखिए ना, जोड़े तो मेरा रब आसमानों पे बनाता है, हम तो सिर्फ रजामंदी देते। जी बिल्कुल बेशक। मुझे नजरअंदाज करके किसी और की कैसे हो सकती है? जिद है मुझे भी, मैं उसे अपने सामने झुका कर रहूंगा। कोई और इसे अपना ले, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये आपके ऑफिस का लड़का अपनी माँ के साथ आगा जी से मिलने क्यों आया है? होगा कोई ऑफिस का काम, मुझे क्या पता। अगर तो वो किसी लोन वगैरह के चक्कर में आया है ना, तो प्लीज आप आगा जी को मना कर दीजिएगा, उनको चैरिटी काम करने का बहुत शौक है। वो मुकद्दस का रिश्ता लेकर आया, आप जाएं और आगा जी से कहें उन्हें साफ मना कर दें, क्योंकि मुकद्दस से शादी मैं करूंगा। क्या तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ, मुझे मुकद्दस से शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम इधर आओ, बैठो यहाँ पर। तुम उस जाहिल मुकद्दस से शादी करोगे जो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही है? मुझे ये सब नहीं पता, अभी जाएं और आगा जी से बात करें शादी की। अरे देखो आराम से बात करो, शादी कोई खेल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बस मुकद्दस से शादी करनी है। लेकिन आरिज वो तुम्हारे काबिल नहीं है,
खाली शक्ल के अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब नहीं जानता, मैं फैसला कर चुका हूँ। देखो आरिज, तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, इस रिश्ते को नहीं निभा पाओगे। ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर नहीं निभा पाया तो छोड़ दूंगा उसे, लेकिन शादी उससे मैं ही करूंगा। आरिज, आरिज, समझाए ना उसे आप। मैं क्या समझाऊं, पता नहीं किस डगर पे सवार है, संभालो अब उसे। तुम मैं ही संभालूं? लेकिन उसे एकदम कैसे ख्याल आ गया कि वो मुकद्दस से शादी करना चाहता? पता नहीं आगा जी, वो हमारे पास आया था दिन में इसी सिलसिले में। ये मुकद्दस जितनी शक्ल से सीधी और मासूम दिखाई देती है ना, ऐसी है नहीं। एकदम से दो दो उम्मीदवार पैदा हो गए। फौजिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक यतीम बच्ची के लिए ऐसी बात करते हुए। तो और क्या समझो आगा जी, आबिस का तो चलो रिश्ता आया था, ये आरिज को बैठे बिठाए क्या हो गया? वो तो शादी के नाम से भागता था। तो इसका मतलब है कि मुकद्दस ने खुद उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। फौजिया तुम चुप रहो, अगर यही हमारे बेटे की ख्वाहिश है तो हमें माननी पड़ेगी। मुकद्दस बहुत अच्छी और सीधी बच्ची है, मैं उसे खुद मालूम करूंगा। आगा जी, आप आरिज के बारे में उससे जरूर पूछें, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा, उसने हमें धमकी दी है। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। मुकद्दस के दो बहुत अच्छे रिश्ते आए हैं, एक तो आबिस की मां मेरे पास आई थी मुकद्दस के लिए। आबिस से तो तुम मिल चुके हो, मैंने मिलवाया था तुम्हें, बहुत अच्छा और बड़ा समझदार बच्चा है, उसने दफ्तर के बहुत से काम संभाले हुए हैं। और दूसरा रिश्ता जो है वो घर ही में मौजूद है। घर में आगा जी, किसकी बात कर रहे हैं भाई? वो हारून और फौजिया आए थे मेरे पास आरिज के लिए रिश्ता मांगने। मैं इस सिलसिले में खुद ही मुकद्दस से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुकद्दस को पूरा हक हासिल है कि वो हां करे या ना करे, और तुम उसके इकलौते वारिस हो, उसके बड़े भाई हो। आप नहीं, नहीं आगा जी, आप हमारे असल वारिस हैं, जो फैसला आप करेंगे वो वही ठीक होगा। अच्छा बेटा मुकद्दस, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सिलसिले में? नहीं, अगर तुम हमें नहीं बताना चाह रही तो ना बताओ, तुम उसको ऐमन को बता देना। आगा जी, आपसे बेहतर भला मेरा कोई नहीं सोच सकता, लेकिन आरिज भाई के अलावा आप जिससे चाहे। आरिज, मैं क्या सुन रही हूं? क्या? तुम मुकद्दस से शादी करना चाहते हो? हाँ, तो उसमें ऐरत की क्या बात, करना चाहता हूं। वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, तुमसे बहुत डिफरेंट है।
मुझे पसंद है, क्या ये काफी नहीं है? वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बस तुम्हें लिफ्ट नहीं करवाती इसलिए अपनी इज्जत बना ली है ना तुमने। वो और मुझे लिफ्ट ना करवाए है क्या? वो लड़कियां आगे पीछे घूमती है मेरे। हाँ, और वो तुम्हें घास नहीं डालती, दिखावा करती है। देखो आरिस, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा से भी रिस्पेक्ट और लगाव नहीं है तो क्यों उस मासूम बेचारी की जिंदगी तबाह करना चाह रहे हो सिर्फ अपने ईगो की वजह से? खुदा के लिए जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। आरिस, शादी कोई मजाक नहीं होती, लाइफ की कमिटमेंट होती है। अगर तुम किसी के साथ सीरियस ही नहीं हो तो क्यों अपनी और उसकी जिंदगी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे हो? ओह कम ऑन एमन, तुम एक ही बात के पीछे पड़ गई, और ये तुम्हारा मामला नहीं है, मेरा मामला है। जब तुम्हारा टाइम आएगा तब डिसाइड कर लेना क्या सही है और क्या गलत। फिलहाल मेरी बातों में मत बोलो, और हाँ आइंदा मेरे मामले में मत बोलना, क्योंकि शादी मैं मुकद्दस से ही करूंगा। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो तुम, मैं भी देखती हूँ कि तुम उसे शादी कैसे करते हो।